क्वेश्चन क्वेश्चन से 2012 का सवाल है। क्वेश्चन से द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 8 + 12t - t³ वेयर एक्स इज इन मीटर टी इज इन सेकेंड। हमारा सवाल ये द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो वो क्या होगा। नाउ इस केस में जो अपने को रिलेशन दिया हुआ है वो है एक्स इज इक्वल टू 8 + 12t - t³। हमें बताना है फाइंड एक्स, हमें क्या बताना है फाइंड एक्सेलरेशन। अरे वाह, है ना, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगेन यहाँ पे टाइम क्या होगा ये अपने को नहीं पता है, वेलोसिटी जीरो कब होएगी ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको जब एक्स दिया हुआ है तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है dx बाय dt करके आ जाएगा, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 + 12 - 3t² ये हो गया। सो अब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो करना है, यानी कि 12 - 3t² = 0 विच एम्प्लाइज t² = 4 विच एम्प्लाइज t की वैल्यू +-2 हो गई। यहाँ पे अगेन हम t की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, माइनस वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, टाइम हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि t की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेकेंड। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन एट दिस टाइम, तो एक्सेलरेशन के लिए इस चीज़ को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाय dt, वो इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करके आएगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0 - 3 × 2t, यानी कि -6t। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। इसमें t की वैल्यू अगर आप 2 वो कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ गया -12 m/s². नाउ यहाँ हमसे पूछा है सवाल में रिटार्डेशन बताना है, ये आपका एक्सेलरेशन आया है, तो रिटार्डेशन जो आएगा रिटार्डेशन वो होएगा आपका 12 m/s², ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर।